न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि आईपीएल 2023 के लिए गुजरात टाइटंस की टीम ने केन विलियमसन को अपनी टीम में शामिल किया। एक भारी भरकम अमाउंट में केन विलियमसन को गुजरात ने अपनी टीम में शामिल किया, लेकिन ये फैसला गुजरात का पहले ही मैच में गलत हो गया। फैसला भी गलत इस वजह से हुआ क्योंकि केन विलियमसन गुजरात टाइटंस के लिए फील्डिंग कर रहे थे और इसी दौरान चोटिल हो गए और चोट इतनी तेज थी कि वह पूरे आईपीएल के सीजन से बाहर हो गए। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस अपना पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के सामने खेल रही थी। इसी दौरान केन विलियमसन बाउंड्री लाइन पर खड़े थे। ऋतुराज गायकवाड़ की हवा में जाती हुई गेंद को उन्होंने रोकने का प्रयास किया। हालांकि केन विलियमसन ने उस गेंद को छक्के से जाने से तो रोका, लेकिन इस दौरान अपने घुटने पर चोट लगा बैठे। चोट इतनी तेज थी कि केन विलियमसन आईपीएल 2023 के पूरे सीजन से बाहर हो गए। आईपीएल 2023 में केन विलियमसन एक बार भी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। इसके अलावा पहले ही मैच में भी आधे ही मैच से बाहर होकर पवेलियन वापस लौट गए। बहरहाल अब केन विलियमसन को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है जिसने केन विलियमसन के साथ साथ न्यूजीलैंड की टीम की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि केन विलियमसन की घुटने की चोट ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में न्यूजीलैंड के कोच ने कहा है कि केन विलियमसन का वर्ल्ड कप 2023 तक ठीक हो पाना भी मुश्किल हो सकता है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि साल 2023 के अंत में वनडे वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा। ऐसे में तमाम टीमें उसे देखते हुए अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन केन विलियमसन को आईपीएल के दौरान लगी चोट ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। न्यूजीलैंड के हेड कोच का कहना है कि केन विलियमसन की चोट ज़्यादा गंभीर है और ऐसे में 2023 वनडे वर्ल्ड कप तक वह शायद ही फिट हो पाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम को उनकी कमी खलेगी। हम कोशिश करेंगे कि केन विलियमसन फिट हो पाएँ तो हमारी टीम के साथ जुड़ें। वहीं केन विलियमसन ने अपने बयान में कहा है कि मैं अपनी चोट से परेशान हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं जल्द ही सर्जरी और रिहैब से फिट हो जाऊं और अपनी टीम के साथ जुड़ूं। ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं जल्द से जल्द मैदान पर वापसी करने के लिए वो सब कुछ करूंगा जो ज़रूरी होगा। बहरहाल बाउंड्री लाइन पर लगी चोट केन विलियमसन के लिए वर्ल्ड कप का सपना तोड़ सकती है और साल 2019 वनडे वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने केन विलियमसन 2023 वर्ल्ड कप मिस कर सकते हैं। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।